हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लाईवुड डोर फ्रेम और नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम में क्या डिफरेंस होता है, और अगर आप प्लाईवुड डोर फ्रेम लगवाना चाहते हैं या फिर आप लगवाने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। और आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि प्लाईवुड डोर फ्रेम कितनी मजबूत होती है, कितनी ड्यूरेबल होती है, और क्या इसे हमें हमारे घरों में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो यही है कि जो प्लाईवुड डोर फ्रेम होती है वो प्लाईवुड से बनाई जाती है। जी हाँ दोस्तों, जो प्लाईवुड डोर फ्रेम होती है वो प्लाईवुड की शीट से मिलकर बनाई जाती है, लेकिन जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम होती है वो अलग अलग टाइप की वुड से मिलकर बनाई जाती है। अलग अलग टाइप्स की वुड्स, जैसे कि सागवान हो गया, टीक हो गया, साल हो गया, और भी कई तरह की वुड्स की डोर फ्रेम आती है जो मार्केट में अवेलेबल है। सेकेंड, जो प्लाईवुड डोर फ्रेम की क्वालिटी होती है वो टोटली प्लाईवुड के ऊपर ही डिपेंड करती है। जितनी अच्छी आपकी प्लाईवुड की शीट होगी, जितनी अच्छी क्वालिटी आपकी प्लाईवुड की शीट होगी, उतनी ही अच्छी क्वालिटी की प्लाईवुड डोर फ्रेम बनेगी। यार ऑब्वियस बात है कि जो प्लाईवुड डोर फ्रेम होती है वो प्लाईवुड से ही तो मिलकर बनती है, तो इसीलिए जितनी अच्छी आपकी प्लाईवुड की क्वालिटी होगी उतनी ही स्ट्रॉन्ग आपकी प्लाईवुड डोर फ्रेम बनेगी, उतनी ही ड्यूरेबल आपकी प्लाईवुड डोर फ्रेम होगी। तो प्लाईवुड डोर फ्रेम के लिए प्लाईवुड की क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो प्लाईवुड की क्वालिटी कैसे चेक करें, कैसे हम प्लाईवुड की क्वालिटी चेक कर सकते हैं, तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसे भी आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स की। जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स की जो क्वालिटी होती है ना दोस्तों, वो जिस टाइप की जो वुड उसमें यूज की जा रही है उसी के ऊपर डिपेंड करती है। जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम की जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वुड की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है। जैसे दोस्तों, अलग अलग पेड़ की वुड की जो क्वालिटी है वो अलग होती है। इस पेड़ की वुड की क्वालिटी अलग होती है, ज़्यादा अच्छी होती है, इसकी थोड़ी कम अच्छी होती है, और इस पेड़ की वुड की क्वालिटी थोड़ी और कम अच्छी होती है। तो जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम की जो क्वालिटी होती है वो पेड़ के वुड के ऊपर ही डिपेंड करती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि सागवान की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट मानी जाती है। सागवान हो गया, फिर टीक हो गया, फिर साल हो गया, इन पेड़ की वुड की जो क्वालिटी होती है वो बेस्ट मानी जाती है, और इनकी जो वुडन डोर फ्रेम्स होती है उसकी क्वालिटी भी बेस्ट होती है अगर वो इन टाइप्स की वुड से बनाई गई तो। नंबर थ्री, जो प्लाईवुड डोर फ्रेम्स होती है वो हमें बाजार में रेडीमेड बनी बनाई हुई नहीं मिलती है। जी हाँ दोस्तों, जो प्लाईवुड डोर फ्रेम होती है वो हमें रेडीमेड अवेलेबल नहीं हो पाती है। हाँ, कई जगहों पर रेडीमेड अवेलेबल हो जाती है, लेकिन आप उसे प्रीफर ना करें क्योंकि हमें नहीं पता है कि उसके अंदर किस टाइप के प्लाईवुड का यूज़ किया गया है। तो इसीलिए हमें प्लाईवुड डोर फ्रेम्स को घर के अंदर ही बनवाना होता है, फिर दीवारों में फिट करवाना होता है। लेकिन जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम होती है वो हमें रेडीमेड बनी बनाई हुई कहीं पर भी अवेलेबल मिल जाती है। बाजार में चाहे वो कोई सी भी सिटी हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, कोई सी भी सिटी हो, हमें वहाँ पर अवेलेबल मिली जाती है ये नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स। नंबर फोर, प्लाईवुड डोर फ्रेम्स को घर की चुनाई करने के बाद घर पर ही बनाया जाता है। मतलब ईंटों की चुनाई करने के बाद दीवार जब हो जाती है उसके बाद इस प्लाईवुड डोर फ्रेम्स को दीवारों में फिट किया जाता है कीलों की मदद से और बिरंजों की मदद से और फास्टनर की मदद से इन्हें दीवारों में फिट किया जाता है घर की चुनाई करने के बाद। लेकिन जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स होती है उसे घर की चुनाई करते समय ही दीवारों में फिट कर दिया जाता है। नंबर फाइव, जो प्लाईवुड डोर फ्रेम्स होती है उसके ऊपर हम सनमाइका, पीवीसी और लेमिनेट्स हम पेस्ट कर सकते हैं, जिसे देखने के बाद जो हमारी डोर फ्रेम होती है वो काफ़ी शानदार हमें दिखाई देती है। और साथ ही हम इसके ऊपर पेनलिंग भी हम कर सकते हैं। पेनलिंग, आई होप आप जानते होंगे पेनलिंग क्या होती है। पेनलिंग एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जो डोर की बॉर्डर होती है, डोर की बॉर्डर होती है 3 इंची, 4 इंची, 5 इंची की भी बॉर्डर होती है, जिसे हम पेनलिंग कहते हैं। तो प्लाईवुड डोर फ्रेम्स के ऊपर हम पेनलिंग भी कर सकते हैं जो हमें काफ़ी शानदार लुक हमें देता है। लेकिन जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स होती है उसके ऊपर सनमाइका, लेमिनेट्स, पीवीसी अच्छे से चिपक नहीं पाते हैं, और इसके ऊपर पेनलिंग भी हम कर सकते हैं लेकिन इसके ऊपर पेनलिंग ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। नंबर सिक्स, जो प्लाईवुड डोर फ्रेम्स होती है वो दीवार से कभी अलग नहीं होती है। मतलब दीवार और प्लाईवुड डोर फ्रेम के बीच में गैप हमें देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर हम बात करें वुडन डोर फ्रेम्स की, तो जो वुडन डोर फ्रेम्स होती है वो दीवार से अलग हो जाती है। कुछ समय के बाद जो ये वुडन डोर
डोर फ्रेम्स होती है वो दीवार से अलग हो जाती है और दीवार और वुडन डोर फ्रेम्स के बीच में हमें गैप देखने को मिल जाता है अगर ये वुडन डोर फ्रेम सही से फिट नहीं करी गई तो। नंबर 7, प्लाईवुड डोर फ्रेम्स को फिट करने के लिए हमें एक स्किल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट हमें पड़ती है, लेकिन जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स होती है उसे तो आपका जो ब्रिक वर्क वाला मिस्त्री होता है वही इसे दीवार में फिट कर सकता है। और दोस्तों प्लाईवुड डोर फ्रेम्स को अगर सही से फिट नहीं करा गया हो, अगर प्लाईवुड डोर फ्रेम सही से नहीं बनाई जाती है तो क्या होता है कि जो प्लाईवुड डोर फ्रेम की जो प्लाईवुड होती है और दीवार के बीच में हमें गैप देखने को मिलता है, मतलब दीवार और प्लाईवुड के बीच में हमें रेंज देखने को मिलता है। तो दोस्तों उस गैप को हम ख़त्म करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उस गैप को हम ख़त्म करने के लिए एक बीडिंग उसमें पेस्ट कर सकते हैं। बीडिंग क्या होती है, बीडिंग एक छोटी सी पतली सी पट्टी होती है प्लाईवुड की, जिसे हम उस गैप की जगह पर फिट कर सकते हैं खिलों की मदद से, छोटी छोटी सी बिरंजी की मदद से उसे हम पेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा काम हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो प्लाईवुड का जो बुरादा होता है उसका हम एक पुट्टी बनाकर उस गैप में लगा सकते हैं, फिट कर सकते हैं, फिर उसके ऊपर हम पेंट कर सकते हैं जिससे कि जो वो गैप है वो हमें नहीं दिखे। नंबर 8, जो दोस्तों प्लाईवुड डोर फ्रेम्स होती है उसके ऊपर सनमाइका लेमिनेट्स लगने के बाद हमें काफ़ी शानदार दिखाई देती है। और दोस्तों पैनलिंग और डोर फ्रेम का जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी बहुत ही अच्छा हमें दिखाई देता है, मतलब जो प्लाईवुड डोर फ्रेम होती है वो बहुत ही अट्रैक्टिव हमें दिखाई देती है। और दोस्तों ये जो प्लाईवुड डोर फ्रेम है, प्लाईवुड डोर्स है, ये काफ़ी ट्रेंडिंग में भी आजकल चल रहे हैं। और बात करें वुडन डोर फ्रेम्स की तो ये वुडन डोर फ्रेम्स भी अट्रैक्टिव तो लगती है और इसके ऊपर हम पेंट भी हम कर सकते, तो पेंट करने के बाद ये वुडन डोर फ्रेम्स भी अट्रैक्टिव लगती है। लास्ट में दोस्तों अगर हम इनकी प्राइस की बात करें तो इन दोनों की प्राइस में इतना ज्यादा डिफरेंस हमें देखने को नहीं मिलता है, मतलब इनकी जो प्राइस रेंज है वो ऑलमोस्ट सेम ही है। और दोस्तों इन डोर फ्रेम्स की जो प्राइस है वो इनकी क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करती है, प्लाईवुड की शीट की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ही ज्यादा इनकी प्राइस होगी। ऐसे ही जो नॉर्मल वुडन डोर फ्रेम्स है, वुडन डोर फ्रेम्स की जितनी अच्छी क्वालिटी होगी उतनी ही ज्यादा इनकी प्राइस होगी। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि प्राइस में इन दोनों में इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं हमें देखने को मिलता है। और दोस्तों अगर आप प्लाईवुड डोर फ्रेम और प्लाईवुड का गेट बनवाना चाहते हैं तो जो आप मिस्त्री आप काम पर रख रहे हैं वो मिस्त्री एक स्किल्ड पर्सन होना चाहिए। तो दोस्तों उस मिस्त्री का आप क्या करिए, उस मिस्त्री का पहले जो उसने काम कर रखे है उस काम को पहले चेक करके आ जाइए, अगर वो काम आपको पसंद आ गया है तभी उस मिस्त्री को अपना प्लाईवुड डोर फ्रेम्स या फिर प्लाईवुड के गेट बनाने का शाही दे। तो दोस्तों कई बार क्या होता है कि जो हम सनमाइका है, लेमिनेट्स है, प्लाईवुड है, ये सब हम घर पर लाकर रख लेते हैं, इतने महंगी महंगी चीज़ें हम लाकर रख लेते हैं, लेकिन जो बनाने वाला ही स्किल्ड नहीं हुआ तो हमारे सारे गेट वो बिगाड़ देता है। तो इसीलिए आप जिस पर्सन को शाही दे उस पर्सन का आप काम पहले आप देख लीजिए, फिर वो पसंद आए फिर ही आप उसको शाही दीजिए। शाही मतलब ऑर्डर होता है, उसका काम देखने के बाद ही उस पर्सन को आप ऑर्डर दीजिए। और दोस्तों जो प्लाईवुड डोर फ्रेम्स बनाने के लिए जो मिस्त्री होते हैं वो जो पैसे लेते हैं वो परसेंट के हिसाब से पैसे लेते हैं। तो आजकल ये भी होता है कि जो प्लाईवुड डोर फ्रेम्स है वो परसेंट के हिसाब से बनाए जाते हैं। जो आपका शॉपकीपर बिल आपको देगा पूरे सामान का, पूरे माल का, जितने भी मटेरियल यूज हुआ है उसका जो बिल आपको देगा उस बिल का 30% जो बनाने वाला है वो एक्स्ट्रा चार्ज आपसे करेगा। तो उस बिल का 30% आपको बनाने वाले को देना पड़ेगा। और लास्ट में दोस्तों आपको क्या करना है कि जो आपका शॉपकीपर है जिससे आप सामान ले रहे हैं उससे आपको जो बिल है जो प्राइस है उसे भी मेंटेन करके चलना है, और उसकी जो क्वालिटी है जैसे कि सामान की जो क्वालिटी है उसे भी आपको मेंटेन करके चलना है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही, आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। और हाँ इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपके कोई सवाल रह गए हो, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा, मैं उसका जवाब देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट आप ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।